দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ আসানসোলে। প্রতিদিন বেড়ে চলা পেট্রোপণ্য এবং নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্য মূল্যর বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হলো যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আসানসোলের কোট ঘড়ি মোড় এলাকায় শনিবার সকালে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী ইন্দ্রাণী আচার্য। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন তারা। टीवी की ओर ढकेल के जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का ये मुहिम छिड़ा है, यूथ कांग्रेस का विरोध किया गया है। आज आपने क्या किया? हम लोगों ने एक, आपने देखा होगा, हम लोगों ने इंडिया ऑन सेल जो मोदी जी एकदम जो कर रहे हैं उसी का हमने एक प्रति की विरोध व्यक्त किया है और हमने मोदी जी का पुतला दहन किया है। हमने ये जनता को जताने की, बोलने की, समझाने की कोशिश की है कि मोदी जी आपके दुख में दुखी नहीं है, उनको सुनना है पेगासस के जरिए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को कब टॉयलेट जाना है, राहुल गांधी को कब नाश्ता करना है। मोदी जी इस पर बिजी हैं, किसके घर में चूल्हा जले ना जले, किसका बच्चा स्कूल जाए ना जाए, मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। किसी को वैक्सीन मिले या ना मिले, मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन देंगे। आप एक लॉजिकल बात बताइए, अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अभी कुछ दिन पहले से ही चल रहा था वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो अगर सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट में वैक्सीन कैसे अवेलेबल हो गया। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।